Hello everyone, I am Dr. Asif from Eye7 Lajpat Nagar. So I am a cornea and refractive surgeon. So today we will be seeing about cosmetic improvement in the eye. So ye jo cosmesis matlab kya hai, aapka jo aankh mein already jo jis patients mein roshni chala gaya but aapka putli safed ho gaya. So jis wajah se aapka appearance jo bahar se dekhne ke liye bahut ajeeb dikhega, fir aapka barabar nahi dikhega. So most of the people feel very underconfident thing, and then like, so isko jo basically what you can do is to improve the cosmesis, we can do certain procedures. If you see the various methods to improve the cosmesis, first is the contact lenses. Jo people can use soft contact lenses, jo cosmetic tinted contact lenses aate hain. But problem with contact lenses is like you cannot always wear. So contact lens ka aapka 4 ghante 6 ghante use kar sakte hain. People have risk of infections, people develop red eye because of contact lenses. They'll have to remove it, wear it every day, contact lens hygiene. So kafi difficulties and kafi pitfalls are there because of contact lenses. Second options aayega aapka corneal tattooing. So corneal tattooing matlab kya hai? It is like how you do a tattooing in any other part of your body. So jo ek dye hote hai jo aapka aankh mein lag sakta hai, wo same dye ko hum cornea ko hum basically color kar denge. So isme color karne mein, so there are different colors you can use based on your other eye ka color, jo we can match the other eye, and uske saath mein we can either use black or we can use brown. So majorly Indian eyes mein aapka mainly black or brown color ka zarurat padta hai. So कहाँ डाई लगाते हैं, ये आपका जो आपका आई बॉल है, ये जो सामने वाला पार्ट है जो कॉर्निया होते हैं, ये आपका सफ़ेद हो जाते हैं जब इस पार्ट में हम डाई लगाना पड़ते हैं. नॉर्मली कैसे दिखता है, जो कॉर्निया से देखेंगे जो ब्राउन होते हैं, सेंटर पे आपका ब्लैक कलर का एक बिंदी दिखता है. सो ये ऐसे ही कर सकते हैं, आपका जो ब्राउन जो साइड वाला में ब्राउन कर सकते हैं, सेंटर वाला में ब्लैक कर सकते हैं. किसी को बहुत डार्क आईरिस है, डार्क कलर का आईज है, फिर आपका पूरा ब्लैक भी कर सकते हैं. And there are various ways, आपका बहुत बहुत तरीका है जिस वजह से आपका डाई लगा सकते हैं. एक तो है इंट्रास्ट्रोमल होते हैं. जो इंट्रास्ट्रोमल क्या होते हैं, आपका जो पुतली के अंदर एक छोटा सा पॉकेट क्रिएट कर लेंगे एंड उसी पॉकेट के अंदर डाई इंजेक्ट कर लेंगे. तो ये जो पुतली जो डाई है आगे नहीं रहेगा, जो पुतली के अंदर रहेगा. तो इसमें एडवांटेज क्या है, एकदम आपका स्मूथ अपियरेंस होगा एंड ये जो डाई हम अंदर डालेंगे वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा. सो सेकेंड ऑप्शन है सेम डाई लगाने में, जो आगे वाला लगाने के लिए डाई, जो एपिथेलियल टैटूइंग बोलते हैं. इसमें क्या है, जिन लोग में पुतली का सफ़ेद पीछे से आगे तक पूरा थिकनेस में सफ़ेद है, फिर उनको बीच में लगा के कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आगे वाला सफ़ेद तभी भी जो डाई से हाइड नहीं होगा. सो इन दैट केस हम सबसे आगे लेयर पर और सबसे आगे हम पुतली में डाई लगाना पड़ता है, तो उसको हम एपिथेलियल टैटूइंग बोलते हैं. सो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो टैटू गन होते हैं, जो उसको यूज़ करके प्रॉपरली आपका पूरा यूनिफॉर्मली आपका डाई को ऊपर से आपका इम्प्रेगनेट कर सकते हैं. आपका जो पूरा डाई पुतली के अंदर चले जाएगा. बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है, जो डाई जितना लंबे टाइम आपका जो इंट्रास्ट्रोमल जो पुतली के अंदर डालते वो रहते हैं उससे थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ये जो बाहर का जो डाई है हर बार आपका ब्लिंक करेंगे, जो वाटरिंग होगा ये थोड़ा वॉश आउट जल्दी होने के चांसेस होते हैं. सो मोस्ट कॉमनली पीपल आस्क कितना देर रहते हैं. सो इट इज़ नॉट अ फिक्स थिंग, इतना साल तक रहेगा, इतना महीने तक रहेगा. जब इंट्रास्ट्रोमल देर आर इंस्टेंसेज वेयर पीपल आपका बहुत मतलब इवन लाइक 4-5 ईयर्स में भी आपका पुतली डाई ऐसे ही रहते हैं, मेनटेन रहते हैं. वेरस इफ़ यू डू एन एपिथेलियल टैटूइंग वो मंथ्स टू ईयर्स रहते हैं, मतलब कुछ लोग में 6 months 1 year ही रहते हैं, कुछ लोग का 2-3 ईयर्स तक रह सकते हैं. सो देर आर वेरियस फैक्टर्स, मतलब आपका कितना दिन तक आपका ये डाई रहने के चांसेस हैं. सो ऑन एवरेज आप देखेंगे तो मतलब एपिथेलियल टैटूइंग आपका 6 महीने 1 साल तो आराम से आ जाएगा. फिर इनकेस आपका डाई थोड़ा हल्का हो गया और पैची आपका बीच में वाइट हो गया, फिर आपका दोबारा डाई को ऐड कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं. एंड इंट्रास्ट्रोमल भी ऐसे आपका 4-5 साल में आपका जब भी आपका लग रहा है हल्का हो रही है फिर आपको डाई को ऑगमेंट कर सकते हैं. तीसरा ऑप्शन क्या है कॉस्मेटिक, फर्स्ट तो हम कॉन्टैक्ट लेंस पढ़ा, कॉन्टैक्ट लेंस ऑप्शन के बारे में बताया था. सेकेंड आपका जो टैटूइंग है. तीसरा ऑप्शन होते हैं जब आईज एकदम छोटा हो गया कुछ लोग का, जिसमें आपका डाई भी नहीं लगा सकते हैं, आपका जो कॉन्टैक्ट लेंस भी फिट नहीं होगा, उसी टाइम पर आपका ई विसरेशन होते हैं, जैसे आई बॉल का भी पूरा रिकन्स्ट्रक्ट करके आपका प्रोस्थेसिस दे सकते हैं. जब प्रोस्थेटिक आई होते हैं मतलब आर्टिफिशियल आई होते हैं वो आपका बहुत अच्छा कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं. ये दो केसेस में सबसे ज़्यादा
फ़ायदा होगा, एक तो आपका किसी को बहुत बड़ा हो गया आईज, मतलब एकदम फूली हुए होके फिर मतलब बाहर आपका, उसको हम स्टेफेलोमा बोलते हैं, इन दैट केस आपका कॉन्टैक्ट लेंस फिट नहीं होगा एंड इतना पतला हो जाता है कॉर्निया वगैरह, आपका डाई भी आपका इतना अच्छा कॉस्मेसिस नहीं देगा। इन दैट केस आपका जो ई विसरेशन, जब आंख को एक पार्ट ऑफ द आंख को निकाल के फिर आर्टिफिशियल इम्प्लांट डाल के फिर प्रोस्थेसिस फिट कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा आपका कॉस्मेसिस होगा। इसमें आपका डिसएडवांटेज क्या है, मूवमेंट, तो आई का मूवमेंट थोड़ा कम रहेगा, जैसे दूसरा आई मूव करेगा वैसे जो आर्टिफिशियल आई और प्रोस्थेटिक आई विल नॉट बी एबल टू मूव, ठीक है, मूवमेंट रहेगा बट आपका जो दूसरा आई जैसे आपका मूव नहीं करेगा। सो बट सामने सामने बैठ के आपका किसी को इंटरेक्ट करना है, सामने सामने किसी को बैठ के देखेंगे, आपका पीपल कैन नॉट डिस्टिंग्विश इट अनलेस दे कम वेरी एक्सट्रीमली क्लोज, तभी आपका पता चलेगा। सो दीज आर मेजर वेज और मेजर टेक्निक्स बाई विच आपका कॉस्मेसिस इंप्रूव कर सकते हैं। सो आज हम दो पेशेंट का ऐसे पेशेंट है, एक पेशेंट जिनमें उनका मल्टीपल सर्जरीज हुआ है जिस वजह से इनका आईज थोड़ा छोटा हो गया, मतलब साइज आईज का साइज भी छोटा हो गया, कॉर्निया भी पूरा वाइट हो गया, पीछे का रेटिना खराब हो गया, इनका मल्टीपल रेटिना सर्जरी भी हुआ पेशेंट का जिस वजह से जो विजन था वो विजन चला गया इस आईज में। सो इन दिस केस वी आर प्लानिंग एन इंट्रास्टोमल टैटूइंग, मतलब जो हम डिस्क्राइब किया जो कॉर्निया के अंदर डालेंगे वो डाई। सो सिंस द अदर आई ऑफ द पेशेंट इज डार्क, सो वी आर प्लानिंग अ ब्लैक डाई इन दिस पेशेंट। सेकेंड केस में क्या है, इनका थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक में, ये भी आपका इंट्रास्टोमल ही हम डाई डाल रहे हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट टेक्निक में हम डाल रहे हैं जिसमें आपका ब्राउन शेड भी दे रहे हैं एंड साथ साथ आपका ब्लैक शेड भी दे रहे हैं। तो ये दोनों का पेशेंट का वीडियो भी अभी सब्सिक्वेंटली आपको देखी जाएगा। मेरा नाम सुभाष कुमार है, मैं जिला फाजिलका से आया हूँ। कम से कम 8-9 साल हो गए मेरी आईज में खेलते टाइम चोट लगी थी, उस टाइम मैंने ध्यान दिया नहीं था क्योंकि थोड़ा उम्र भी कम थी, तो धीरे 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 ज़्यादा हो गई और मुझे बीच में बुखार भी हो गया था बहुत ज़्यादा, उसके बीच में मेरा इलाज हो नहीं पाया। उसके बाद मैं कम से कम 1.5 साल के बाद गंगानगर गया हॉस्पिटल में, तो वहाँ मैंने चेकअप करवाया, तो उन्होंने चेक किया, ठीक है अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ पर भी, तो चेक किया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि तेरी रोशनी चली गई है, तो तेरी रोशनी वापस नहीं आ सकती। फिर मैंने बहुत जगह ट्राई किया, नहीं इलाज हुआ। उसके बाद धीरे 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 टाइम बीतता गया, अब जस्ट 1 महीना हुआ मैंने YouTube पे वीडियो देखी Eye7 हॉस्पिटल लाजपत नगर में, देखा मैंने बहुत अच्छा इलाज था, मेरे से बड़े बड़े केस थे इन्होंने जो हैंडल किए, तो मैं जस्ट वीडियो देख के YouTube पे कल लाजपत नगर आया और कल मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ और आज मेरा ऑपरेशन है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा इलाज हुआ है, क्योंकि मैं बहुत जगह घूमा मेरा कहीं इलाज नहीं हुआ और लाजपत नगर में आके मेरा इलाज हुआ और आज मेरा ऑपरेशन है। मैं बहुत खुश हूँ।